दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में एक से ज़्यादा WhatsApp यूज़ करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि WhatsApp पर मल्टीपल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मल्टीपल अकाउंट। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है स्टोरेज की, इसे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप WhatsApp पर एक अकाउंट बना सकते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, इसे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में एक WhatsApp है तो आप यहाँ पर दूसरा WhatsApp अकाउंट भी बना सकते हैं। इसको क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर WhatsApp का क्लोन बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक WhatsApp आ गया है। और उसके बाद अगर आप एक और अकाउंट बनाना चाहते हैं WhatsApp पर, तो उसके लिए आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर WhatsApp पर क्लिक करना है। यहाँ से इसे ऐड करके इसका भी क्लोन बना लेना है। उसके बाद अगर आप एक और WhatsApp यूज़ करना चाहते हैं, एक और अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वापस प्लस पर क्लिक करना है और यहां से दोबारा से आपको क्लोन बना लेना है। तो यहां पर देखिए, तीन WhatsApp यहां पर आ गए हैं। तो मैं यहां पर अपना अलग अलग मोबाइल नंबर डाल के यहां पर एक ही फ़ोन में तीन WhatsApp यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जितने भी यहाँ पर WhatsApp मल्टीपल अकाउंट बनाने हों, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके और उनका क्लोन बना लेना है आपको। आप यहाँ से किसी और ऐप का भी क्लोन बना सकते हैं, जैसे कि Facebook हो गया, Instagram हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप मेरे पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।